Masha's Tales. मैं अपने सब्जियों के बगीचे को पानी क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, ताकि मेरी मनपसंद गाजर जल्दी से उग जाए। अपने बगीचे में उगी हुई सब्जियाँ बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो अच्छा और सही खाना खाने के बारे में है। ये कहानी है एक सिपाही की जिसे छुट्टी मिली थी और वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। उस लंबे सफर ने उसे थका दिया था और सच कहूँ तो उसे थकान से ज्यादा भूख लगी थी। सिपाही ने आसपास देखा और उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो मुर्गी के पैरों पर खड़ा था। कभी कभी तो सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा हो रहा था। घर के अंदर थी एक बूढ़ी औरत जिसने सिपाही को देखा और किसी वजह से उसे सूंघा भी। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, एक सिपाही, मुझे लगा ही था मैंने एक जवान को सूंघा है। अंदर आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। सिपाही बहुत खुश हो गया। ये हुई ना कुछ बात, यही है बिल्कुल सही तरीका। पहले आप मुझे खाना दो और फिर एक ड्रिंक। अगर आपसे ऐसा नहीं होगा तो आप एक सिपाही को लड़ने नहीं भेज सकते। घर ने अपना पिछला दरवाजा जंगल की ओर किया और आगे का दरवाजा सिपाही की ओर। सिपाही ने अंदर पांव रखा और उसके पैर वहीं पर जम गए। अरे बाप रे बाप, ये मैं कहाँ आ गया? आखिर ये किस तरह की जगह है? ये कोई मामूली घर नहीं है और ना ही ये कोई मामूली बूढ़ी औरत है। ये तो बूढ़ी विच है जिसका एक पांव लकड़ी का है। ये अच्छी बात नहीं है। और बूढ़ी विच ने उससे कहा, तुम शर्माओ मत प्यारे सिपाही, इस फावड़े पर बैठो, मेरे अवन के अंदर जाओ और जरा अपना सिर संभाल कर, और प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें जल्दी से भून दूंगी क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? सिपाही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? बूढ़ी विच ने सिपाही से पूछा। आपने कहा कि आपके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ मुझे बेंच के नीचे एक कुल्हाड़ी दिख रही है, क्या आप इस कुल्हाड़ी के बारे में भूल गयी? सिपाही ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो सिपाही? बूढ़ी विच ने गुस्से से कहा। कुल्हाड़ी खाने की चीज नहीं होती। बहुत हुई तुम्हारी बेकार की बातें, अब चलो जाओ अवन के अंदर। पर सिपाही ने बूढ़ी विच की बात नहीं मानी। आपको तो कुछ भी पता नहीं है, आप जल्दी से एक बड़ा सा बर्तन ले आइए और बताइए मुझे ताजा पानी कहाँ पर मिलेगा। मैं आपको दलिया बनाकर दिखाऊंगा इस कुल्हाड़ी से। दलिया खाना बहुत ही अच्छा होता है, वो जंक फूड की तरह गंदा नहीं होता। ताजा खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। बूढ़ी विच ने एक पल के लिए सोचा, ठीक है सिपाही, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं और देखते हैं तुम क्या खास कर लेते हो। और फिर सिपाही ने कुल्हाड़ी को उबालना शुरू किया। वो उसे कुछ देर तक उबालता रहा और चम्मच से पानी को हिलाता रहा। बूढ़ी विच को सिपाही का बनाया हुआ कुल्हाड़ी का दलिया चखना था। तो क्या हो रहा है, क्या कुल्हाड़ी अच्छी तरह पक गई है? सिपाही ने उसे चखा और कहा, इसमें किसी चीज की तो कमी है, शायद हमें इसमें नमक डालना चाहिए। बूढ़ी विच नमक ले आई। सिपाही ने एक चुटकी नमक पानी में डाला, फिर उसे चख कर कहा, ये कितना टेस्टी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। बूढ़ी विच ने अपने पैरों पर उछलते हुए कहा, आपको चाहिए? अफसोस, ये दो लोगों के लिए काफी नहीं है, कुल्हाड़ी बहुत ही छोटी थी, ये मुझे ही कम पड़ेगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पर कहीं एक और कुल्हाड़ी पड़ी हो? नहीं, वो तो नहीं है, बूढ़ी विच ने चिढ़कर कहा। मेरे पास ये चेनसॉ है, शायद इससे कोई बात बन जाए। सिपाही ने चेनसॉ लेते हुए कहा, नहीं इससे बात नहीं बनेगी, ये तो बर्तन से भी बड़ी है। क्या आपके पास किसी तरह का अनाज है? हाँ हाँ, मेरे पास अनाज है, बूढ़ी विच ने खुश होकर कहा। तुम यही रुको सिपाही, मैं अभी लाती हूँ। फिर उन्होंने बर्तन में अनाज डाल दिया। सिपाही ने उसे मिलाया, फिर चखा। ये तैयार है, उसने कहा। अपना चम्मच लाओ और चखो जो मैंने पकाया है। बटर लाना मत भूलना, बटर से खाने में जान आ जाती है। फिर दोनों टेबल पर बैठे और दलिया खाने लगे। बूढ़ी विच उसे खाते हुए उसकी तारीफ किए जा रही थी। ओ प्यारे सिपाही, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, तुमने इस बूढ़ी औरत की बहुत मदद की, मैंने इतना अच्छा दलिया पहली बार खाया। प्लीज मेरे लिए इसकी रेसिपी लिख देना, मैं आज के बाद कभी किसी और को नहीं खाऊंगी।
अब से मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाऊंगी। मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, अच्छा खाना शरीर और आत्मा को सेहतमंद रखता है और वो बुरे लोगों को भी अच्छा बना देता है। हे दोस्तों, आप सभी को कुछ और मजेदार चीजें देखनी है तो बस अभी यहाँ क्लिक करें और फौरन हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों, अब मैं चली।